हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी में अभी तक हम लोगों ने 6 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा यह 7वां अध्याय होगा मूल अधिकार पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में जितने शुरुआती अध्याय हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनको आपको अच्छे से समझना होगा। मीन्स अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड चाहे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसमें हल करने में उसको सक्षम होंगे। तो उन्हीं अध्याय में आज का हमारा जो अध्याय है वो है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये, अगर पूरे हम पॉलिटिक्स सेक्शन की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि आप अगर एग्जाम में प्रश्न उठा कर देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स से एक आध प्रश्न तो आपको जरूर मिल जाएंगे हर एग्जाम में, जिसमें पॉलिटिक्स रिलेटेड प्रश्न आते होंगे उसमें आपको वो मूल अधिकार से रिलेटेड प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा, बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ में इन वीडियो को देखिएगा और कोशिश ये करिएगा कि जितने भी चीज़ें बताई गई हैं वो आप अच्छे से समझें। अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पर कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 या 5 वीडियो भी हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि आखिर में फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है पढ़ना, उसके अलावा कितने इम्पोर्टेंस है और किस तरह के प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ ये भी है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो कि क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था वो भी मैंने शुरू कर दिया है, और मैं कोशिश ये करूँगा कि हर रोज़ आपको एक पॉलिटी का वीडियो, उसके अलावा एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल अधिकार, यानी कि संविधान में जो अधिकार हमारे नागरिकों को दिए गए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको सिटीजनशिप वाले चैप्टर में भी बताया था, नागरिकता वाले अध्याय में, कि हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल नागरिकों के लिए नहीं है, इनमें से कुछ अधिकार हैं जो नागरिकों के लिए सिर्फ हैं, उसके अलावा कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो भारत में रहने वाले विदेशियों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, मीन्स उनको भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। अब जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन का जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आखिर में मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में आपको बताऊंगा, जब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। फिर एक बात यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो अमेरिका का मूल संविधान है, मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम थोड़ा कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो जो अमेरिका का मूल संविधान है उसमें मूल अधिकार नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। मीन्स फंडामेंटल राइट उसमें नहीं दिए हैं। अमेरिका का जो संविधान है उसमें अभी तक केवल 27 संशोधन किए गए हैं। हो सकता है अभी बढ़ गए हों, मैंने करंट का भी नहीं पता है, लेकिन उसमें कुल 27 संशोधन, जिसमें शुरुआती जो 10 संशोधन है उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स को ही शामिल किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया का जो सबसे पहला लिखित संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट को शामिल नहीं किया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स के तहत प्रत्येक व्यक्तियों को समान अधिकार देता है। मीन्स भारत के जो लोग हैं, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको एक समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग जानते होंगे कि किस तरह का समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं लिखने की बात अलग है, पढ़ने की बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग दैनिक जीवन में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कहीं पर अप्लाई नहीं होती हैं। कहने के लिए सभी को समान अधिकार मिला है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, फिलहाल जो लिखा है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं संविधान के 7 अधिकारों की। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था,
उस समय इसमें कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, वो 7 कौन कौन से थे? पहला था हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। चौथा हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद में पांचवा हमारा है संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारा है आर्टिकल 29 और 30। उसके अलावा संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31। और सातवां हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। लेकिन इनमें से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, ये वाला, इसको जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में इसको यहाँ से हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया और उसको चेंज कर दिया गया कानूनी अधिकार में, अंडर आर्टिकल 301 के तहत पार्ट 12 में, भाग 12 में इसको शामिल कर दिया गया। किसमें? कानूनी अधिकार में, यानी कि लीगल राइट्स में इसको शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग पहले ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के 7 थे। शुरुआत में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल मिलाकर फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जब संविधान को लागू किया गया था, उस समय ये 7 थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये केवल कितने हैं? ये हमारे सिर्फ 6 हैं। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 301 के तहत शामिल कर लिया गया था पार्ट 12 में। ठीक, तो ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक डिटेल फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहले विशेषता की बात करें, फर्स्ट फीचर की इसकी बात करें, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन की इसकी बात करें, तो उसमें कहा गया है कि जो फंडामेंटल, जो हमारे संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं उनमें से कुछ नागरिकों के लिए हैं तथा कुछ नागरिक या विदेशी दोनों के लिए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ इसमें से नागरिकों के लिए हैं और कुछ नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसको जानना होगा तो आप लोग जा करके जो लक्ष्मीकांत सर की बुक है उसमें जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन से अधिकार किन के लिए लागू किए गए हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर लेंदी में बना दूंगा वीडियो को तो आपको लिए बोरिंग भी हो जाएगा, तो आप लोग केवल इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ नागरिक के लिए हैं तथा कुछ नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। उसके बाद में दूसरे में कहा गया है कि ये असीमित हैं, असीमित नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है परंतु वाद योग्य हैं, मीन्स स्टेट कैन मेक रेस्ट्रिक्शन, जो राज्य है राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, मीन्स ये असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको असीमित अधिकार दिए गए हैं, और ये वाद योग्य, मीन्स इस पर चर्चा भी हो सकती है, और अगर राज्य चाहे तो किसी कारण से किसी फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे विशेषता की। तो कहा गया है कुछ मामलों को छोड़कर ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट बेसिकली इसीलिए दिए ही गए हैं जो संविधान ने हमको दिया है कि राज्य चाहे तो इस पर मनमाना अपना काम नहीं कर सकता है। ठीक है, मीन्स कोई अपना अधिकार इस पर थोप नहीं सकता है, मीन्स बिना किसी वजह के किसी का मूल अधिकार छीन नहीं सकता है, मीन्स यहाँ पर राज्य का मनमाना या अपनी मनमानी नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें से कुछ नकारात्मक है तथा कुछ सकारात्मक है। ठीक है, जैसे अब नकारात्मक का मतलब क्या हो, निगेटिव, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो राज्य के अधिकारों को सीमित करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें आपको जो दी गई हैं उसके तहत राज्य के अधिकार जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक, लेकिन सकारात्मक भी हैं। सकारात्मक क्यों है? मीन्स अगर हम राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को थोड़ा सा सीमित करते हैं या उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक, उसके बाद में सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये हम बात करेंगे सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। आगे आगे जैसे जैसे हम देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। ये तो एक समझ लीजिए एक बेसिक इंट्रोलेशन है जिसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर फंडामेंटल राइट्स है क्या और उसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। ठीक, पांचवी इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है कि ये न्यायोचित है, मीन जुडिशियेबल है,
मीन्स अगर इनका उल्लंघन होता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वह व्यक्ति न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर या उसको छीने जाने पर न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, ऐसा बताया गया है हमारे संविधान में। अब हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की। अगर हम अगली विशेषता की बात करें, छठवीं विशेषता की, तो इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है, वो किसी व्यक्ति को गारंटी देता है उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए, और सुरक्षा भी देता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर एक बहुत ही सातवीं जो विशेषता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये अस्थाई नहीं है, संसद संशोधन अधिनियम के तहत कमी या कटौती कर सकती है। ठीक, मीन जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये अस्थाई है, जो संविधान में लिख गया है वही मान्य होगा। अगर संसद चाहे तो संशोधन अधिनियम मीन सामान्य अधिनियम से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मीन जो संसद में संशोधन अधिनियम है, जिसको हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे, उसके तहत ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, या इसमें कमी भी किया जा सकती है या कटौती भी की जा सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आठवें की। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, उस समय आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन जो आर्टिकल 19 है, वह युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय स्थगित किया जाता है। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित कर दिया जाता है, और आर्टिकल 19 को युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय स्थगित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नौवीं विशेषता की। तो इसमें से ज़्यादातर जो है वो संविधान के लागू होने के साथ ही परिवर्तित हो गए थे, मीन्स उनको लागू कर दिया गया था, जबकि कुछ जो है उनको कानून की मदद से प्रभावी किया जाता है। तो कौन कौन से परिवर्तित हुए थे, कौन से कानून की मदद से हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिक डिटेल है, फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना आप लोग जान लीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं राज्य की परिभाषा। देखिए, राज्य जो शब्द है ये फंडामेंटल राइट्स में बार बार आएगा, राज्य शब्द जो है वो फंडामेंटल राइट्स में बार बार आया गया, मीन्स मूल अधिकारों के जो सभी उपबंध हैं उनमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर आप लोग राज्यों से मत लीजिएगा, जो भारत के 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे इनका संबंध नहीं है। तो पहले आप लोग यही समझ लीजिए कि राज्य हैं कौन कौन से। राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड। देखिए, संसद हुआ, विधानमंडल हुआ, नगर पालिका हुआ, पंचायत हुआ, जिला बोर्ड सुधार न्यास हुआ, सभी वैज्ञानिक निकाय जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा बेसिकली इतनी हुई। अब देखिए, आर्टिकल 13 की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा ही दी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा ही दी गई है कि राज्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि संसद, विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास, सभी वैधानिक निकाय जैसे LIC हुआ, ONGC हुआ, सेल हुआ, ये सब चीज़ें भी शामिल की गई हैं राज्य के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। तो यही कहा गया है कि मूल अधिकारों से उनको अल्पीकरण करने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, जो कानून होंगे, वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो वो न्यायिक समीक्षा योग्य होगा, मीन्स उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करते हैं। ठीक है, तो रिट क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने के लिए जो विधियां होती हैं वो लगभग शून्य होती हैं या शून्य होंगी। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है तो वो न्यायिक समीक्षा के लिए योग्य होगा, मीन्स उस पर बहस हो सकती है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी डिटेल। अब आज हम थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं समानता का अधिकार, मीन्स राइट ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, तो राइट्स ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला है वो है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण।
इन चीजों पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है जरा समझिए आप लोग। कहा गया है कि राज्य मीन जो स्टेट है, स्टेट में कौन कौन सी बॉडी शामिल होंगी, सारी बॉडी जो मैंने ऊपर अभी आपको बताई हैं, वो क्या करेंगी, वो नागरिक हो या विदेशी, किसी व्यक्ति को भारत के किसी राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता से मीन्स कानून के समक्ष आगे सभी लोग बराबर होंगे या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, यहाँ पर दो तथ्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों तथ्यों को थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर में क्या है ये दोनों चीजें। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं अभी कि विधि के समक्ष जो समता है ये लिया गया है ब्रिटिश मूल से। ठीक है, और ये नकारात्मक है, कैसे मैं अभी आपको इसको बताऊंगा। उसके अलावा जो हमारा विधियों के समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, और ये निगेटिव है। अब इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ कि क्या है आखिर में। देखिए, जो एक कहा गया है देखिए क्या क्या था, एक तो हमारा है विधियों के समक्ष समता, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो मान लीजिए विधियों की, ये नकारात्मक क्यों है, ठीक, मान लीजिए आप जाते हैं किसी दुकान पर, किसी दुकान पर आप गए, वहां पे आपको लेना है मान लीजिए 1 किलो चाय पत्ती, 1 किलो चाय पत्ती आप जाएंगे 300 रुपये में लेंगे। ठीक है, कोई दूसरा जाएगा वो भी इसे 300 रुपये में ही लेगा। मान लीजिए आपकी इनकम 1,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये है, अगर कोई व्यक्ति जाएगा जिसकी इनकम 10,000 रुपये है वो भी इसी में मिलेगा, किसी की 1 लाख है उसे भी ये चाय पत्ती 300 रुपये में ही मिलेगी, किसी की अगर मान लीजिए 1 करोड़ है इनकम तो उसे भी ये चाय पत्ती 300 रुपये में ही मिलेगी। मीन सबके लिए एक समान नियम है, तो इसीलिए इसे नकारात्मक इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि सबके लिए ये रेट समान होगा, मीन चाहे जो जाए उसके लिए एक समान यहाँ पर उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब दूसरा जो हमारा विधि के समान संरक्षण से है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया है कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सभी के लिए समान एक समान दिया जाएगा। मीन्स ऐसा है कि मान लीजिए किसी को दौड़ है यहाँ पर और सबको दौड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये नहीं किया जाएगा कि कुछ लोगों को यहाँ से दौड़ाया जाए, कुछ को यहाँ दौड़ाया जाए, कुछ को यहाँ से दौड़ाया जाए। मीन्स यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि अगर इस पॉइंट पे पहुँचना है तो सभी के लिए एक समान व्यवस्थाएं होंगी, मीन्स सभी को एक लाइन से ही दौड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सभी के लिए एक समान रेट, मतलब मीन्स चाहे जो जाए उनके लिए एक समान व्यवस्था ही है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लागू किया जाएगा इस तरह का व्यवस्था। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। तो आइए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। विधि के समक्ष समता में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मीन्स ये राष्ट्रपति या अन्य इस प्रकार के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, उनको इससे संरक्षण दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं साधारण विधि द्वारा सभी के लिए समान व्यवहार, मीन जो नियम होंगे उसके द्वारा सभी के लिए एक समान व्यवहार हमेशा किया जाएगा, उसके अलावा कोई व्यक्ति जो है वो विधि से ऊपर नहीं है, मीन्स कानून के ऊपर कोई नहीं होगा, ये बताया गया है विधि के समक्ष समता में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा होगा, अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं, अगर फिर भी ना क्लियर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आखिर में क्या है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में। अब हम बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण में, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका से लिया गया है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें यही कहा गया है कि समान विधि के तहत सभी के लिए समान नियम होंगे, ठीक, और बिना भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। मीन्स मिला जुला के आप यही कह सकते हैं कि ये जो दोनों नियम है, ठीक है, इनका जो उद्देश्य है ये जिस लिए शामिल किए गए हैं उसका मतलब यही है कि कानून के लिए सभी के लिए समान अवसर दिया जाए, ठीक है, हर काम के लिए सभी को एक समान अवसर दिया जाए और सभी के लिए न्याय जो है वो बराबर हो। अभी हाल ही में एक रेजुलेशन, सॉरी, पीएम मोदी जी ने आह्वान भी किया है कि जैसे हमारे देश में अक्सर क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ना तो वकील मिल पाते हैं और ना ही उनके मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो पाती है,
तो इसीलिए एक पोर्टल अभी हाल ही में लागू किया गया है, हालांकि पोर्टल का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है इस समय, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस पोर्टल में ये कहा गया है कि जो देश के जाने माने वकील हैं, जो गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो गाँव के लोगों से बात करेंगे। अब गाँव के लोग कहाँ जाएंगे, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वहाँ पर जाएंगे और बात करेंगे वो उन वकीलों से, और वो वकील उनके मामले की सुनवाई करेंगे, मीन्स उनके मामले की सुनवाई में उनकी मदद करेंगे बिना कोई फीस लिए। ठीक है, तो वही कहा गया कि बिना भेदभाव के साथ सभी के साथ समान व्यवहार होगा और कानून सभी के लिए एक बराबर होगा। जैसे कि जनरली देखा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कानून कहीं ना कहीं उनके हाथों का खेल होता है और वो आसानी से कोई भी बुरा काम करके छूट जाते हैं। तो वही कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे संविधान में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा विधि के शासन की। तो विधि का जो शासन है, ये ब्रिटिश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए बी डायसी। इनका क्या नाम था? ए बी डायसी। इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, ए बी डायसी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इन्होंने कहा गया था कि किसी व्यक्ति को दंडित तभी किया जाएगा जब वो किसी कानून का उल्लंघन करेगा, यानी कि जब विधि का उल्लंघन कोई व्यक्ति करेगा उसी स्थिति में उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और हर मामले में जो समता है, जो समानता है, वो आवश्यक है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून तोड़े तो उसके लिए अलग व्यवहार किया जाए, मीन्स मान लीजिए वो अमीर है तो उसके लिए अलग व्यवहार किया जाए, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग व्यवहार किया जाए, सभी के लिए ये एक समान है। फिर बताया गया कि जो आर्टिकल 14 है, ठीक, वो मूलभूत तत्व है। मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती में ये मामला पहली बार आया था कि क्या पूरे संविधान में हमेशा संशोधन किया जा सकता है। तो उस स्थिति में ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बताता है कि कौन कौन से तत्व हैं संविधान में जो उसके मूलभूत हैं, जो उसके मूल में शामिल हैं। तो उसी में ये बताया गया है कि आर्टिकल 14 जो है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान का मूलभूत तत्व है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, मीन्स विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के बारे में। इसमें देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, उनको आर्टिकल 100 सॉरी आर्टिकल 361 के तहत कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनको, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की बात करें, तो वो जब अपने कार्यकाल में होंगे, ठीक है, जब उनका कार्यकाल होगा, उस स्थिति में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मीन्स अगर मान लीजिए उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है अपने कार्यकाल के दौरान, तो उसके बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर और डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।